जो है वो लगे हैं, लगातार नजर रखी जा रही है। एक तो आसमान से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, जमीन पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं उनके हाथों में वीडियो कैमरे हैं ताकि वो हर पल को रिकॉर्ड कर सके। इसके अलावा बाहर जो है जो सड़क है वहां पे बड़ी संख्या में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट किया गया है। संख्या बहुत कम थी जब लोग उनको अंदर जाने की परमिशन मिल पाई, जो वैलिड आई कार्ड दिखा पाए और वही अंदर जा पाए। यहाँ तक की जो महिलाएं थी, जो बुरका नशीब महिलाएं यहाँ पहुंची शामिल होने के लिए, हालांकि उनकी संख्या महज 5 या 6 थी, उनको भी बकायदा चेक किया गया। उनसे कहा गया कि वो अपनी आंखें दिखाए जिसके जरिए वेरीफाई उनकी तस्वीरों के जरिए उनकी आंखों को किया जा सके, उसके बाद ही उन्हें परमिशन मिल सके। ये इसलिए भी था क्योंकि एक इनपुट लगातार पिछले 2 दिन से मिल रहा था कि शाइस्ता जो की वहाँ है असद की, वो पहुंच सकती है, शरीक हो सकती है अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए, यहाँ पहुंच सकती है। इसीलिए ये व्यवस्था भी की गई थी, महिला फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पे इसीलिए की गई थी कि वो जो महिलाएं यहाँ पे आए उनको भी वेरीफाई किया जा सके, उनको भी चेक किया जा सके। तो वो चेकिंग यहाँ पे लगातार हुई और इसीलिए बहुत कम संख्या में लोग पहुंच पाए। हालांकि बहुत सारे लोग जानबूझकर इससे दूरी बनाकर रखे हैं इस जनाजे से, बहुत सारे लोग जो आना भी